बहुत ध्यान से। अरे वाह, मैं आप दिखा देता हूँ कहाँ से आया था। अभी ऑल द वे डाउन जाना है हमको, वहाँ से मैं आया था ऊपर से। तो भाई अगर डर लगे तो समझ लेना कि नहीं चलेगा काम, ठीक है। वेलकम बैक गाइस, क्या हाल चाल है सारों के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कहाँ से? नुसा पेंदिया से। पनीता, नुसा पनीता, मैं तो पेंदिया निकल रहा पंजाबी से। तो आज हम जैसे कि उठ गए हैं, सुबह हो गई है, तो होटल में कमरा अपना तैयार तुर हो गया हम, और लगभग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और आज हम जा रहे हैं कलिंग बीच और डायमंड बीच और दो चार चीज़ें और है। सारा पूरा आइलैंड का टूर करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, पूरा ऐसे शुरू करेंगे, पूरा आइलैंड घूम के दोबारा यहाँ से आएंगे। अच्छा, ये प्लान है। और एक्टिवा रेडी है, नीचे ब्रेकफास्ट करना है बस, ब्रेकफास्ट करके और सीधा चलते हैं। अब मिलता हूँ सीधा ब्रेकफास्ट पे। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने कहा था नीचे मिलूँगा। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, यह ब्रेड आमलेट भाई साहब, मिल्क वाली टी जिसका स्वाद, और ये यहाँ की शुगर ग्लूटेन फ्री, वो खड़ी सामने हमारी लाल परी। तो भाई पीछे वाला देखो, पहले हमारे होटल के सामने ही है बीच, ये इसको कोतामी बीच बोलते हैं। और ये देखो, अरे क्या बात है, क्या बात, सामने माउंटेन दिख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है पूरा। और ऐसे तैयार व्यार हो गए हैं, लंच वगैरह कर लिया, ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिया, काफ़ी अच्छा था। और ये मोटर बाइक चाबी और मोटर बाइक खड़ी है उधर लाल परी। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? आज हम जाएंगे कलिंग और डायमंड, उधर वाले बीच सारे कवर करने हैं, और साथ में जो जो आएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। तो आज का दिन होने वाला है रोमांचक, आग लगा देंगे आज तो। तो गाइस आगे एक्टिवा पे, और ये चलने जा रही है थोड़ी देर में, चल पड़ी हम चले। पहला स्टॉप हमारा हो गया है क्लिंग क्लिंग पे। तो व्यू देखोगे, पहले तो हमने मोटर बाइक पार्क कर दी, इसका देते हैं यहाँ पे 5,000। और इधर ले साइड बाई पानी है, क्या व्यू देखो पहले ऊपर से। अरे भाई साहब ये देखिए, पहले व्यू देखिए, वो सीढ़ियाँ हैं उधर से जाएंगे तुरके, पानी देखो भाई ब्लू है, ब्लू आज ब्लू है, पानी 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 वाला काम हुआ पड़ा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है नीचे जाने वाला। ओए होए, अरे क्या व्यू आ रहा है ना सच में, क्या बताऊँ भाई। तो गाइस क्या व्यू है ना आने दुआले का, क्या बताऊँ भाई, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ। अरे इधर का व्यू देखो, ये अनुसा भी दिया नहीं, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बीच में रोड ख़राब भी है, तो ध्यान से आए, कोई काली मत करें, ठीक है। तो यही मेरी सलाह होगी आपको सबको। और काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, यहाँ से रोड बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे तिलकन का पूरा पूरा चांस है, बंदा गिर सकता है पूरे ही जोरों से, और ऐसा गिरेगा कि कुछ नहीं पाएगा। तो भाई मेरे ध्यान से, ठीक है, जैसे ध्यान से जा रहे हैं ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अरे वाह, मैं आप दिखा देता हूँ कहाँ से आया था। अभी ऑल द वे डाउन जाना है हमको, वहाँ से मैं आया था ऊपर से। तो भाई अगर डर लगे तो समझ लेना कि नहीं चलेगा काम, ठीक है। क्योंकि फट रही थी मेरी भी, पर भाई ने हौसला किया, से मैं कहूँ ना ही मेरी नहीं फट रही, सबकी फटती है एक बार देख के, भाई डाउन है, ठीक है, पर हौसला रख के जा सकते हो भाई। रोड देख रहे हो, ओहो ऐसा रोड है सारा, अरे भाई जान निकल रही है। ओ ऊपर दे आए थे अंबाले वाले जट, आन रहे थले तुरदे तुरदे, आजो आजो नंगे आओ भाजी, बड़ा उत्तों तुर के आए ने साढ़े नाल, दो घेटे ला के। आयो आयो, लाइफ लाइफ,
आ जाओ आ जाओ, शाबाशी शाबाशी। भाजी आगे जट भी लिखता उत्तो दूरों दूरों देखता हड़ा। अरे क्या बात है, ये देखो छले आ रही पानी की। अरे बाप रे बाप, अरे भाई 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 भाई, भाई। क्या बात है क्या बात है। अरे जय अंबाली नहीं आया वो यार, क्या करने आया। तो ये है सारा व्यू यहाँ का, एक बार देख लो। अरे वाह क्या बात है, सही है ना। तो अब भाई नहाएंगे थोड़ा सा, शायद बाद में मैं पग उतार दूँ क्योंकि नहाने जाऊँगा और काफ़ी अच्छा है। तो भाई ले आ रहे हैं अपने, वेलकम बैक गाइस। तो आपने क्लिंग क्लिंग बीच तो देख ही लिया होगा, तो उसके बाद हम आ गए हैं ब्रोकन बीच जो बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है। ये सारा ब्रोकन बीच है, अभी जाएंगे इधर से तुर के वहाँ पर तक, और यहाँ से भी व्यू शानदार है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से भी। थक गए यार, क्लिंग बीच नीचे जाते तो सौखा है, ऊपर आते ना भाई लग गई पूरी, खत्म हो गया था मैं तो ऊपर आते आते। मेरे पीछे है ब्रोकन ब्रिज, बीच ब्रिज के यार मैं एक मिनट रुक ले अपने आप को। हाँ तो ये इसको बोलते हैं ब्रोकन बीच, और ये ऐसा कुछ दिखता है, देख लो काट रहे हैं बस, और है सारा सेम ही। अगर क्लिंग क्लिंग पहुँच गए ना तो इधर आने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास मुझे लगानी, बस यही है, इसको ब्रोकन बोलते हैं, ऐसे कटा हुआ है बस, दैट्स इट। बाकी देखने में ठीक है, फोटो फोटो करवा सकते हो इधर बैठ के या नीचे बैठ के, यही है ब्रोकन। डायमंड बीच पे देखा, इतना शानदार बीच है, पूरा डायमंड बीच कहते हैं इसको। इसको डायमंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सामने, पहले तो बीच देखो बाद में बताते। अरे भाई देखे लहर, देखो लहर, और ये जो बना हुआ है डायमंड की शेप में है, इसलिए इसको कहते हैं डायमंड बीच। और इसकी ठीक परली तरफ इस पहाड़ की दूसरी तरफ है अत्तू बीच, तो अत्तू बीच लोग फेमस है। तो ये भाई हाई टाइड आने वाली है इसलिए नीचे नहीं जा सकते, तो यहाँ से व्यू अच्छा है काफ़ी। अरे भाई एक नंबर, गजब गजब वाइट सैंड है बिल्कुल, तो मज़ा आ गया। तो वेलकम बैक गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो होटल में अभी पहुंच चुके हैं, तो यार भाई नींद बहुत आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं और इस वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कहां कहां गए थे। वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो आइए चलते हैं सीधा मेरे फ़ोन पे, और कोई ना मैं कोड चेंज कर लूँगा, टेंशन मत लो। अरे हाँ ये था आइलैंड, तो हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ से घूमते हुए पूरा चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ पे आए हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे जो क्रिस्टल वे है वो कर लिया था, आज क्लिंकिंग डायमंड और ऊटा जो बीच बूच जितने आते हैं वो सब देख लिए, ब्रोकन बीच वो भी देख लिया। तो मतलब कर तो आप एक दिन में भी सकते हो, तो बेसिकली अगर आपके पास दो दिन नहीं है तो एक दिन में भी आप कर सकते हो। सीधा स्कूटरी रेंट करके सुबह 8 बजे निकल जाना और शाम को आओगे आप 4-5 बजे, तो हो जाएगा एक दिन में। अगर एक दिन में नहीं करना तो दो दिन में कर लेना, एक बार ये ईस्ट एक बार वेस्ट। तो यही था आज का, तो कल हम जा रहे हैं दोबारा बाली, और कोई नवी जगह दिखाएंगे आपको।
या हम जा रहे हैं। सो टिल देन बाय गाइस।